मुंबई के स्लम में रहने वाला लड़का जो कि हिप हॉप रैप को लेकर पूरी तरह से पैशनेट है। लेकिन इन सभी के बीच उसकी जिंदगी में ऐसे कई सारे मोड़ आते हैं जो कि उसकी लाइफ को पूरी तरह से मुश्किल बना देते हैं। हालांकि इसके बावजूद भी वह बंदा लड़ता है। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब उसके रैप को लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग पसंद करने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह कहानी है झुग्गियों में अपना बचपन गुजार कर एक सक्सेसफुल रैपर बनने तक का सफर तय करने वाले विवियन फर्नांडिस की, जिन्हें कि हम आमतौर पर उनके तेज नेम डिवाइन से पहचानते हैं। दरअसल डिवाइन आजकल ट्रेंडिंग में इसलिए भी चल रहे हैं क्योंकि उनके लाइफ से ही इंस्पायर्ड एक मूवी आने वाली है जिसका नाम है गली बॉय। और इस मूवी में रणबीर सिंह स्लम में रहने वाले एक लड़की का किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं। और दोस्तों, डिवाइन को रियल लाइफ रैपर डिवाइन भी कहा जाता है क्योंकि उनके रैप महंगी गाड़ियों, शराब और लड़कियों से जुड़ी हुई नहीं होती, बल्कि वह रियल लाइफ से जुड़े हुए रैप बोलते हैं। और मूवी के ट्रेलर में आपने ये लाइन तो सुना ही होगा कि असली हिप हॉप से मिलाएं हिंदुस्तान को। साथ ही दोस्तों, डिवाइन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि हिप हॉप एक ऐसा जरिया है जो कि हमारे देश में क्रांति ला सकता है। लेकिन ज्यादातर लोग यह सोचते हैं कि रैप सिर्फ शराब, नशे और स्वैग के आसपास ही घूमता रहता है, जबकि हिप हॉप में लोगों की सोच बदलने की ताकत है। बहरहाल दोस्तों, चलिए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं डिवाइन की पूरी लाइफ स्टोरी कि किस तरह से मुंबई के झोपड़ियों में रहने वाला लड़का बना एक रियल लाइफ रैपर। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है अक्टूबर 1990 से, जब मुंबई के अंदर अंधेरी ईस्ट के स्लम एरिया में विवियन फर्नांडिस यानी कि डिवाइन का जन्म हुआ। और दोस्तों, डिवाइन के फैमिली में उनके अलावा उनके माता पिता और एक बड़ा भाई भी था। हालांकि शुरू से ही डिवाइन को बहुत ही ज्यादा गरीबी का सामना करना पड़ा, साथ ही उनके पिता भी हमेशा ही शराब के नशे में चूर रहते थे और अक्सर वह घर पर शराब पीकर अपने बेबी और बच्चों को खूब मारा पीटा करते थे। और फिर इन्हीं सभी परेशानियों से निजात पाने और अपने बच्चों को बेहतर जिंदगी देने के लिए डिवाइन की माँ ने फैसला किया कि वह अरब के किसी शहर में जाकर काम करेंगे ताकि वहां से वह अपने बच्चों को पैसे भेजती रहे। और फिर वह अपने दोनों बेटों को उनके ग्रैंड मदर के वहां छोड़कर चली गई। और दोस्तों, डिवाइन बचपन से ही यह समझते थे कि उनकी माँ उनके बेहतर जिंदगी के लिए कितना संघर्ष करती हैं, और इसीलिए उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी जी जान लगा कर की। उनका शुरू से ही यह कोशिश था कि वह पढ़ लिख कर इतने पैसे कमा ले कि उनकी माँ को बाहर जाकर काम कभी न करना पड़े। और फिर इसी तरह से सेंट जॉन इवेंजेलिस्ट हाई स्कूल और आरडी नेशनल कॉलेज से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। हालांकि दोस्तों, शुरुआती दौर में डिवाइन के अंदर रैप की ना तो कोई जानकारी थी और ना ही इस फील्ड में जाने का कोई इंटरेस्ट। लेकिन 2004 में उन्होंने अपने एक दोस्त के टी शर्ट पर हिप हॉप आर्टिस्ट 50 सेंट की फोटो देखी। और फिर जब डिवाइन उनके बारे में जानने की कोशिश करने लगे, तब डिवाइन के दोस्त ने 50 सेंट के साथ साथ और भी बड़े बड़े रैपर्स के बारे में उन्हें बताया। साथ ही उन्होंने डिवाइन को रैप की कुछ सीडीज भी दी। और जब उन सीडीज को डिवाइन ने सुना, तब वह अपनी जिंदगी को उन रैपर्स से काफी हद तक रिलेट कर पाए। और फिर यहीं से रैप के फील्ड में जाने के लिए उन्हें इंस्पिरेशन मिली और अब वह रात दिन अपनी रैप के लाइंस खुद भी लिखने लगे थे। और दोस्तों, शुरुआती समय में रिलीजियस रैप करने की वजह से विवियन फर्नांडिस को डिवाइन का नाम मिला और फिर इसी नाम के साथ वह स्टेज पर भी आया। हालांकि अपने करियर के शुरुआती दौर में डिवाइन ने एक स्टेज फिलर के तौर पर काम किया। इसका मतलब होता है कि जब कोई सेलिब्रिटी किसी शो के बीच में ब्रेक लेता है, तब उस खाली समय में डिवाइन लोगों को एंटरटेन करने के लिए परफॉर्म किया करते थे। और फिर इसी तरह से आगे चलकर 2011 में डिवाइन एक हिप हॉप ग्रुप मुंबई'स फाइनेस्ट के साथ जुड़ गए और यहाँ उनके प्रतिभा में काफी निखार आया। और दोस्तों, डिवाइन ने 2013 में अपना पहला खुद का सॉन्ग अपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट किया जिसका टाइटल था वॉइस ऑफ द स्ट्रीट्स। और दोस्तों, यह सॉन्ग वैसे था तो बहुत अच्छा, लेकिन इसके लिरिक्स इंग्लिश में होने की वजह से यह ज्यादा लोगों तक पहुंच नहीं सका। हालांकि इस गाने से सीख लेकर डिवाइन ने अपना अगला गाना ये मेरा बॉम्बे हिंदी में गाया और इस सॉन्ग को बेसिकली मुंबई शहर के स्लम एरिया में फिल्माया गया था। और यह सॉन्ग रिलीज होने के बाद से इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ कि डिवाइन रातों रात रैप सुनने वाले लोगों के बीच फेमस हो गया। और इस वीडियो सॉन्ग को रोलिंग स्टोन इंडिया के द्वारा 2014 का बेस्ट वीडियो ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया। और फिर इसी साल सोनी म्यूजिक इंडिया ने डिवाइन के अंदर के टैलेंट को पहचाना और उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। और फिर सोनी म्यूजिक इंडिया के लेबल के अंतर्गत ही उन्होंने 2015 में मुंबई के ही एक और रैपर नेजी के साथ मिलकर मेरे गली में नाम का गाना गाया और यह गाना लोगों के बीच तो फेमस हुआ ही, साथ ही साथ बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने भी इस गाने को अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया। और फिर यहीं से डिवाइन को जो पॉपुलरिटी मिली वह आगे बढ़ती ही चली गई और डिवाइन ने भी अपने डाई हार्ट फैंस को निराश न करते हुए
जंगल राजा, मित्रा द स्वैग, सिटी स्लम्स, तीसरी मंजिल और जुनून की तरह ही कई सारे गानों में अपनी शानदार रैप का जादू बिखेरा। और दोस्तों 2018 में उन्होंने अपना खुद का म्यूजिक लेबल भी बनाया जिसका नाम है गली गैंग रिकॉर्ड्स म्यूजिक लेबल। बहरहाल दोस्तों अंत में बस मैं यही कहना चाहूँगा कि स्लम एरिया में रहने वाले डिवाइन ने अपने संघर्ष और मेहनत के दम पर जो सफलता पाई है वो हर किसी के बस की बात नहीं। उम्मीद करते हैं कि वह अपने रियल लाइफ रैप के जरिए हमेशा हमें इंस्पायर करते रहेंगे। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।